दिल्ली के कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह 6 महीने के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। उनके बाहर आने के बाद कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। इस बीच संजय सिंह ने एक कार पर खड़े होकर कहा कि ये जश्न मनाने का नहीं बल्कि संघर्ष का समय है, क्योंकि पार्टी के कई बड़े नेता जेल में हैं। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी और पूरा परिवार भी मौजूद था। वहीं दूसरी ओर तिहाड़ जेल से रिहाई के बाद संजय सिंह सीधे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे और सुनीता केजरीवाल के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद वे आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पहुंचे। झुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हमी तो ख्वाब है, रुके न जो। गौरतलब है कि संजय सिंह को अक्टूबर 2023 में ईडी ने कथित शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार कर लिया था। कई बार उनकी बेल भी रिजेक्ट हुई थी। तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद जब संजय सिंह एक कार पर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ये समय संघर्ष का है, हमारी पार्टी के बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को सलाखों के पीछे रखा है, मुझे विश्वास है कि एक दिन इस जेल के ताले टूटेंगे और वे बाहर आएंगे, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जश्न मनाने का समय नहीं बल्कि संघर्ष करने का समय है। बता दें कि संजय सिंह आम आदमी पार्टी के पहले ऐसे नेता हैं जो दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आ चुके हैं। उनके पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने इसी केस में गिरफ्तार किया था और कोर्ट ने उन्हें 15 दिनों की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया था। वहीं विवादित आबकारी नीति से जुड़े इसी मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी फरवरी 2023 में गिरफ्तार किया गया था। अभी तक उन्हें इस केस में जमानत नहीं मिल सकी है। वहीं संजय सिंह के जमानत पर बाहर आने के बाद उनके समर्थकों और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर उनका स्वागत किया। अब देखना यह होगा कि जेल से रिहा आने के बाद संजय सिंह कितना एक्टिव मोड में नजर आते हैं और कई सवालों के जवाब भी शायद सामने आ जाएंगे। क्या केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे या फिर सुनीता केजरीवाल या पार्टी के अन्य बड़े नेता मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करेंगे? आखिर मुख्यमंत्री बदला जाएगा या नहीं, इन तमाम सवालों पर अब पार्टी में मंथन चलेगा। और वहीं लोकसभा चुनावों की तैयारी को लेकर के भी अब पार्टी में नया उत्साह भी देखने को मिलेगा। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।